कौड़ी के बदले में इसको आपने हमने बेच दिया। श्रीमान, आज की हम जो आपको वार्ता बता रहे हैं दयालु, ये बात यह है कि शाम न विद्या न तपो न दानम। अगर आप विद्या अध्ययन नहीं कर पाए, पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, कोई बात नहीं, रामचरित मानस पढ़ो रोज। विद्यार्थी अगर पास होना चाहते परीक्षा में, बुद्धि तेज करना चाहते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 5 रामायण की चौपाई पढ़नी चाहिए। तो पहले के जमाने में महाराज घर में रामायण ही पढ़ी जाती थी। हमारे बूढ़े दादाजी हैं, बूढ़ी अम्मा, पूरा परिवार बयारू करके, रात की बयारी जानते हैं, उसे बयारू कहते हैं। रात की बयारी करके सब बैठ गए, पूरा परिवार बैठ गया, एक दो लोग बढ़िया रामायण की चौपाइयां गाते थे। अब आगे तो लोगों ठटरी बड़ी जब से या कीलनी